हेलो बच्चों, जय हिंद। सभी को आपका यूट्यूब चैनल टॉप एम टॉप ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत है। जैसे कि हम टेंथ का बैच शुरू कर दिए हैं और नाइन्थ वाले बच्चों को ये कन्फ्यूज होगा, क्या सर टेंथ का स्टार्ट कर दिए आप और नाइन्थ का कैसे होगा? तो नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बात है। तो देखो, टी टी एस नाइन्थ के बच्चों को टी टी एस नहीं समझ में आता होगा कि टी टी एस क्या होता है। तो समझो टीटीएस मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो देखो टीटीएस, टी फॉर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को नाइन्थ का, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम नाइन्थ का मॉक टेस्ट लेंगे जो रेगुलर चलेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम टेंथ पर धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है ना सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग किया है, तो सिलेबस भी टेंथ का थोड़ा बड़ा है और हम लोग का लक्ष्य रहता है क्या, कम से कम थोड़ा अच्छा नंबर, कम से कम 350 से प्लस 400 के आसपास। पढ़ने वाला बच्चा तो 450 भी ला सकता है, लेकिन एक अच्छा नंबर के साथ उत्तीर्ण होने की सपना रहता है, इसलिए हम टेंथ का पढ़ाई थोड़ा जल्दी कर दिए। अब देखो सप्ताह में 3 दिन हम तो नाइन्थ का मॉक टेस्ट चलेंगे, जैसे 1 मार्च को एग्जाम है आप लोगों का। इसके बाद MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को टेंथ का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें से इसको 3 दिन हमको टेंथ का पढ़ाना है और 3 दिन जो है नाइन्थ का मॉक टेस्ट लगवाना है। और अक्सर जो नाइन्थ में बहुत ऐसा बच्चा है जो कमज़ोर है, उसके लिए अलग से तैयारी करा दिया जाएगा। जैसे संडे को बंद है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये नाइन्थ वाले बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, वो जो है टेंथ के साथ साथ हम नाइन्थ का भी कवर करा देंगे। तो जिसको भी लगे कि हम नाइन्थ में टेंथ का कैसे होगा, तो वो बिल्कुल फिक्र नहीं करें और अपना ऑफलाइन जो है जसीडी हनुमान नगर में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।